तुम्हारे लिए आई हूँ सालार, क्या हो गया? क्या मेरे लिए? तुमने ही तो मुझे क्या क्या हो रहा है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसको नजमा को बता। अरे जाना, बोल रही हो जो वो कर, माजी माजी ना कर। अच्छा बाहर के जा। वो क्या है, चल गया यहाँ पर, क्या हो गया? छोड़ो मुझे, कासिम छोड़ो उसको, हाथ मत लगाना उसको, बता रही हूँ तुम्हें। बताओ काया, क्या बता रही हो, बताओ। अरे भाभी ये सब क्या है? सालार मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इस वक्त ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अरे आंटी मैं भी इससे यही पूछ रहा हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे बुलाने पर आई हूँ सालार, क्या हो गया? क्या क्या बोल रही हो तुम? मैंने बुलाया तुम्हें? सितारा ऐसे मुंह खोल के आशिकी माशूकी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? आशिकी माशूकी क्या कह रही है आप? इसने बुलाया और तुम चली आई बेशरम कहीं की। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने इस लड़की को अपने कमरे में नहीं बुलाया। सलार तुम्हारे कहने पे तो आई हूँ, तुमने ही तो मुझे बुलाया है। क्या हो गया तुम्हें? मैंने बुलाया है? देखो मेरी बात सुन सलार, डरो मत, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, सच बताओ सबको। क्यों क्यों डरेगा वो किसी से? सलार बताओ सबको, तुमने मुझे मैसेजेस किए थे, कॉल्स की थी ना तुमने मुझे। कौन से मैसेजेस? दिखाओ तो सही, कहाँ किए मैंने वो मैसेजेस? मैं अभी दिखाती हूँ मैसेजेस, ये देखो ये देखो। अभी अभी थे यहाँ मैसेजेस, डिलीट हो गए सारे। क्या थे मैसेजेस? ये सब डिलीट हो गए, मैंने मैंने कुछ भी नहीं किया। सलार तुम तो सच्चे हो ना, तुम बताओ सबको, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, सबको बताओ सच, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। अच्छा यानी तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं खुद पे ब्लेम ले लूं? ब्लेम के बच्चे, ये तेरे कमरे से पकड़ी गई है। तभी इससे बात करें आप, क्या हो गया आपको? अरे आपकी लड़कियों को शौक है मेरे कमरे में आने का, मेरे साथ बदनाम होने के लिए मर रही है ये। सलार खबरदार जो मेरा नाम लिया तुमने। अरे मैं तो समझता था कि तुम बहुत ही सिंपल लड़की हो, तुम पर तरस खाकर तुम्हारी इतनी केयर की मैंने, लेकिन सच तो ये है कि तुम तेज निकली, खुद आकर सबको पीछे से बुला लिया। सालार बेटा चुप करो। क्या सालार बेटा, सालार बेटा सुन लिया तुमने सब, निकलो यहां से, चलो। तौबा तौबा अल्लाह माफ करे, तूने इधर ही रहना है, चल। हेलो, क्या मुसीबत है कासिम, तुम फोन क्यों उठा रहे थे? तुम पहले से जानती थी ना कि वो वहाँ मौजूद है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। झूठ बोल रही हो तो, तुमने जानबूझकर मुझे वहाँ भेजा था। नहीं मैं वाकई में समझी थी कि वो दो घंटे से तुम्हारे साथ है पागल। तो
दो घंटे पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अब मुझे थोड़ी ना पता था कि वो दो घंटे लगा देगी तुम्हारे साथ। अब मेरी बीच में आंख खुली, मैंने देखा कि वो नहीं है, तो मुझे तुम्हारी परेशानी हुई ना कि खुली छत, ठंड, दो घंटे, और फिर अगर किसी ने देख लिया तो कोई मुसीबत हो जाएगी, है ना? मुसीबत तो फिर भी मुझ पर आ ही गई। खैर चलो, अच्छा हुआ ना वक्त पे पता चल गया। थैंक्स टू यू। ओए अभी किसी के सामने मत कह देना। क्या? यही कि तुम्हें मेरी वजह से पता चला, वरना मामू ने मेरी क्लास करवा देनी है। पता चल गया ये काफी है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे किसने बताया? तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। ओ हेलो, मेरी शामत आ जाएगी पता है? क्यों, तुमने ऐसा क्या किया है? देखो मैं तो ये सोचकर खामोश थी ना कि तुम दोनों मिल रहे हो दो घंटे के लिए। अब अगर मामू को ये बात पता चलेगी तो वो समझेगी कि मैं तुम दोनों को मिलवा रही थी। और फिर प्लीज मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम बाद में बात करते। मेरे नाम ना लेना। कासिम, यार सालार मेरी बात तो सुनो। देखो सिर्फ चार घंटे रह गए हैं भाई, इतनी रात को कहाँ जाओगे तुम? मैं वहां जाऊंगा जहाँ तुम्हारे खानदान वाले मुझे नजर ना आए। अब देखो तुम ओवर रिएक्ट कर। एक्सक्यूज मी, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? देखो क्या कहा था मैंने उसके बारे में, खुद ही देख लिया तुमने? नो ब्रो, इट्स नॉट अबाउट हाउ शी इज, इट्स अबाउट हाउ योर फैमिली मेंबर्स आर। अब तुम गलत बात कर रहे हो सालार। क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ भाई? तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी कजन हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए और तुम कह रहे हो कि मैं गलत बात कर रहा हूँ? बहन का क्या मतलब? डोंट बी ओवर स्मार्ट सलमान, यू नो एग्जैक्टली व्हाट योर मॉम एंड योर सिस्टर वांट। व्हाट, आर यू सीरियस? रियली? ओके अम्मी की बात ठीक है, लेकिन निम्मी को बीच में मत ला। भाई निम्मी को मैं बीच में नहीं लेकर आया, वो खुद मेरे कमरे में शिकायत करने आई थी। शिकायत? कैसी शिकायत? यार वो जानना चाहती थी उसमें क्या बुराई है जो मैं उसकी तरफ नहीं देखता। सालार मेरी बात सुनो, अपना ये गुस्सा ना अपनी बहन और अपनी कजन के लिए संभाल के रखो। और एक और बात, मैं किसी के कमरे से नहीं पकड़ा गया, जो पकड़ा गया है ना वो मेरे कमरे से पकड़ा गया है। तो ये जो सवाल है ना तुम्हारे, ये अपने घर और खानदान वालों से करो।